क्वेश्चन नाइन्थ में देखो क्या गिवन है आपको, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी। डायरेक्टली आपको दो टर्म्स दे दिए, थर्ड और नाइन्थ टर्म। तो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू डी। और कितनी वैल्यू गिवन है थर्ड टर्म की, फोर। और नाइन्थ टर्म की, नाइन्थ टर्म को पहले क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस एट डी इक्वल्स टू कितनी वैल्यू गिवन है, माइनस एट। अब अगेन क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज। अब ये दोनों तो प्लस प्लस में, तो ये माइनस हो गए, ये वाला माइनस का है तो प्लस हो गया। ए माइनस ए कट गया आपका, टू डी माइनस एट डी क्या बन जाएगा, माइनस सिक्स डी। और यहाँ पे फोर प्लस एट कितना, ट्वेल्व। सो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वेल्व बाय माइनस सिक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सिक्स टू जा ट्वेल्व, और माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा हमेशा आपका। ठीक है, माइनस नीचे आ रहा हो या ऊपर आ रहा हो, हमेशा ऊपर ही शिफ्ट होगा। सो डी आ गया आपका माइनस टू। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप क्या कर सकते हो, ए की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर। अब सपोज इसी में कर दिया हमने, ए प्लस टू इंटू माइनस टू इक्वल्स टू फोर। डी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, सो क्या आ जाएगा, ए माइनस फोर इक्वल्स टू फोर। सो ए इक्वल्स टू फोर प्लस फोर यानी कि एट। तो ए एट आ गया आपका, डी माइनस टू आ गया। अब इन्होंने क्वेश्चन में आगे क्या पूछा आपसे, देखो विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। देखो पहले हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, क्योंकि पहले हमारा मेन टारगेट क्या, ए और डी निकालना। दो दो इक्वेशन बनी, ए और डी हमने निकाल दिया। अब हमें पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, यानी हमें विच टर्म पूछा है, मतलब एन की वैल्यू हमें नहीं पता है। हमें पूछा है कौन सी टर्म इसकी जीरो होगी, तो जीरो क्या है, उस टर्म की वैल्यू। उस टर्म की वैल्यू का मतलब ए एन है। एन हमें नहीं पता कि कौन से नंबर की टर्म है, वो थर्ड है, फिफ्थ है, हंड्रेड है। ठीक है, तो वही हमें फाइंड करना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू जीरो। अब ए क्या है आपका, एट प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, डी की वैल्यू माइनस टू इक्वल्स टू। अब एट को उधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, माइनस एट। देखो जब भी आपको एन माइन एन की वैल्यू निकालनी है, तो ये एन माइनस वन इंटू डी वाला जो ब्रैकेट है इसको मत ओपन किया करो। क्लियर। आपने सीधे ए को वहां शिफ्ट कर दिया, क्या हो गया, माइनस एट। साइन चेंज हो गया क्योंकि यहां पे प्लस हो रहा था। अब माइनस टू यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, सो एन माइनस वन इक्वल्स टू माइनस एट अपॉन माइनस टू। माइनस माइनस कट गया, टू की टेबल में एट, सो एन माइनस वन इक्वल्स टू फोर। सो एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फोर प्लस वन यानी फाइव। तो यानी आपकी फिफ्थ टर्म, देयर फोर फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। क्लियर।